एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किम्स रेनबो। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया था कुछ दिन पहले। तो मैंने इंस्टा पर एक पोस्ट डाली थी, तो उसमें मैंने पूछा था कि किसी को ये ट्यूटोरियल चाहिए या नहीं चाहिए। तो काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हाँ, हमें ट्यूटोरियल चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आई मेकअप आज आपके साथ शेयर किया जाए। सो गाइस, ना देर करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लंदन से ये है बिगनर्स 5-in-1 स्किन पेंट्स का। इसके अंदर से मैं ना व्हाइट शेड ये वाला यूज करूंगी। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो, व्हाइट कलर में हो, थोड़ा सा मतलब लाइटर हो आपकी शेड से, ताकि आपकी आई लिड्स है ना, उनके ऊपर जो कलर आए ना आई शेडोज का, वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लेकर ये अपने आई लिड पर यहाँ पर अप्लाई कर लूंगी। इसका लगाने का पर्पस ना यही होता है कि आप अच्छे से इसको, आपके जो कलर्स है ना वो अच्छे से डिफाइन होंगे, ठीक है, अच्छे से नजर आएंगे। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज करूंगी, इसको अच्छे से मैं अपने आई लिड पर अप्लाई करूंगी ताकि क्रीज ना आए। मैं यूज करूंगी ये आई शेडो पैलेट। मुझे नहीं पता है इसका ये कौन सा आई शेडो पैलेट है। मैं इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर मेंशन करूंगी। ये लोकल है, मतलब ये ब्रांडेड नहीं है। तो इसके अंदर जो मुझे कलर्स चाहिए थे ना, वो इसके अंदर मुझे कलर्स मिल गए थे, येलो और ये ग्रीन वाला। इसकी हेल्प से मैं अपना आई लुक एक और पैलेट यूज करूंगी, रेवोल्यूशन का रिलोडेड। इसके अंदर से मैं ब्लैक शेड लूंगी क्योंकि उसमें ब्लैक शेड नहीं था। ब्रश यूज करूंगी, ये देखो, ये स्ट्रेट सा छोटा सा ब्रश है। इसकी हेल्प से मैं आई लुक क्रिएट करूंगी। थोड़ा सा मैं लूंगी, फिर एक्स्ट्रा डार्क करूंगी और मैं ना इसको यहां से ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करूंगी ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके अंदर लाइनर की तरह जैसे हम लाइनर लगाते हैं ना, वैसे ही मैंने ये अपने क्रीज एरिया से ऐसे करके एक लाइन क्रिएट करी है। मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा स्मज कर दूंगी, ठीक है, ब्लेंड कर दूंगी थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड पे, कि हार्श लाइन ना नजर आए। उसके बाद मैं, जब मैंने ये लाइंस को ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद मैं ये कंसीलर लूंगी स्विस ब्यूटी का और मैं इसको इसके नीचे से अच्छे से अप्लाई करूंगी क्लीन करते हुए। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। ठीक है, मैंने इसको क्लीन कर लिया, मैंने अपने क्रीज एरिया पर अच्छे से कंसीलर लगा लिया है। उसके बाद मैं फ्लैट ब्रश यूज करूंगी और इस पैलेट से मैं ये ग्रीन वाला कलर लूंगी और इसको अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी डैबिंग मोशन में। ठीक है, अभी हम ब्लेंड नहीं करेंगे, सिर्फ हम अभी कलर डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लोकल वो है ना पैलेट, तो इसमें इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी खास नहीं है ऐसे आई लुक क्रिएट करने के लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। ये वाला अच्छे से कलर जितना आप डिपॉजिट कर सकते हो ना, अगर आपके पास अच्छा पिगमेंटेड वाला आई शेडो पैलेट है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा ऐसा ही है तो मुझे काफी अच्छे से इसके अंदर ना डिपॉजिट करना पड़ेगा कलर। इसी पैलेट से मैं येलो वाला कलर लूंगी, ठीक है, और इसको अच्छे से ब्रश के अंदर लगा लूंगी। ठीक है, ये वाला तो बहुत ही ज्यादा लाइट है, इसमें तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ता है। ये मैं इसको आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी, ठीक है, बाहर तक। नेक्स्ट मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी, जहां पर भी मुझे शार्प एजेस दिख रहे हैं तो मैं ये क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके और उसको हल्के हाथों से ना बहुत ही ब्लेंड करूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं लूंगी एक एंगुलर ब्रश और उसके अंदर मैं थोड़ा सा ना कंसीलर लगाऊंगी। ठीक है, मैं ये वाले जो एरिया ना इसको क्लीन करूंगी ताकि शार्प नजर आए। के
मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, जो भी मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी कलर डिपॉजिट हुआ था वो मैंने क्लीन कर लिया, ताकि मेरा जो आई मेकअप है ना वो एकदम शार्प लगे। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लाइनर, तो मैं ये मेबलिन का ये वाला लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ज्यादा लंबा विंग नहीं करूंगी क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक विंग है, ठीक है। दूसरी आई के ऊपर भी अप्लाई कर लूंगी लाइनर, ये मैंने लाइनर भी अप्लाई कर लिया है अपनी आईज के ऊपर। तो चलो अब हम अपना बेस मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ना पहले आई मेकअप किया, क्योंकि जो डस्ट ऑफ होता रहता है ना आई शेडो का, तो फिर वो बेस खराब होता है। तो चलो मैं इसको अच्छे से नीचे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट। मैं यूज करूंगी इनसाइड कॉस्मेटिक का ये प्राइमर, तो इसको मैं थोड़ा सा लूंगी और अपने पूरे टी जोन एरिया पे और पूरे अपने फेस के ऊपर जहां पर मुझे लगता है अप्लाई करना है मैं वहां पर अप्लाई कर लूंगी। अपना स्किन केयर किया हुआ था पहले से, ठीक है। उसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का ये रियल मेकअप बेस प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, मैंने पहले कभी किया नहीं है। मैंने इसको बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो इससे ना शाइन आती है फेस पर, ग्लोई लगता है एकदम मेकअप ना, ग्लोई और डूई। इसको लगाने से बहुत ही अच्छी शाइन आ रही है फेस पर, बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ठीक है, इन दी शेड 03। तो इसको मैं अपने अंडर आई पर अप्लाई करूंगी सबसे पहले, और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी। प्लीज गाइस, मेकअप करते टाइम ऐसी फेसेस बनते रहते हैं, जहां पर भी मुझे पिगमेंटेशन लग रही है हल्की फुल्की, कोई मार्क हो उधर लगा रही हूँ बस। मैं अप्लाई करूंगी ये सैरी ब्रांड का फाउंडेशन, जो कि बहुत ही लाइट वेट है, फेस के ऊपर पता ही नहीं चलता लगाया है। इसको मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पर लूंगी और हल्का सा वार्म करूंगी फिंगर की हेल्प से, और फिर ज्यादा मैं ना केक ही बेस नहीं बनाने वाली हूँ, बहुत ही लाइट रखूंगी। ये बहुत ही अच्छे से ना हैंड से भी ब्लेंड हो जाता है। एकदम परफेक्ट बेस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ये कवर रेंजर पैलेट में से। मुझे ना काफी सारे लोगों ने मैंने इसका यूट्यूब शॉर्ट्स डाला था, तो काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था इसका फुल रिव्यू दो, फुल रिव्यू दो। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, इसमें जो कलर्स मैं ज्यादातर यूज करती हूँ ना वो पैन टच कर चुके हैं उनके, तो मैं थोड़ा सा इसी पैलेट से ये वाला कलर लूंगी और इसको थोड़ा सा अपने इससे कॉन्टोर करूंगी, ठीक है, अपने फेस को थोड़ा सा डिफाइन करूंगी फिंगर की हेल्प से। मैं इसको ऐसे ब्लेंड कर लेती हूँ, ठीक है, और अपनी नोज के यहाँ पे भी। उसके बाद मैं अपनी बेस को सेट कर लूंगी कॉम्पैक्ट की हेल्प से, ठीक है। मेरा बेस भी ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ये अर्थ रिदम का लिप एंड चिक टिंट, इधर पर थोड़ा सा नोज पर, थोड़ा सा चिन पर, और इसको अपनी फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूंगी, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ये मस्कारा, मैं अप्लाई करूंगी लिप्स, यूज कर रही हूँ स्टार स्टक का बाय सनी लियोन, इसका शेड है मेरा सिनेमन, और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है और लिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं इसको अप्लाई करूंगी। टेक्सचर इतना क्रीमी है ना, ये मुझे इतना प्यारा इसका, एक तो सबसे अच्छा तो मुझे इसका शेड लगा कि ये न्यूड शेड है। मुझे न्यूड शेड बहुत ही कम पसंद आते हैं, लेकिन जो न्यूड होता है ना कोई कोई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये शेड मेरे फेस के ऊपर भी बहुत अच्छे से जा रहा है और मेरे लुक को भी बहुत एनहेंस कर रहा है, क्योंकि मैंने अपनी आई लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड रखा है और लिप शेड मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है, और मैंने बेस को भी ना ज्यादा नहीं किया, मतलब बेस पर ना बहुत हल्का हल्का किया है, केक ही नहीं किया, बहुत लेयर ही नहीं किया। तो चलो अब मैं अपनी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। I
आई होप आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है, ये मेरा लुक पसंद आया, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। प्लीज गाइज नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, और अगर आप ऐसे लुक और चाहते हो तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगी। प्लीज गाइज सपोर्ट मी, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइज जैसे कि आप जानते हो मदर्स डे आने ही वाला है, तो मैंने अपनी मदर के लिए ये एक ज़ूक से बैग परचेज किया है जो कि बहुत ही प्यारा है, स्पेशियस है। जैसे कि आप जानते हो मदर्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उनका रोल प्ले कोई और नहीं कर सकता है, तो इस मदर्स डे पर मैं उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ ये बैग गिफ्ट करके। सो गाइज तो आप लोग भी अपनी मदर्स को ये गिफ्ट कर सकते हो। तो ज़ूक के जो बैग्स होते हैं ना, वो वेगन फ्री होते हैं, हैंडमेड होते हैं, और इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इनका लुक काफी डिफरेंट होता है, एथनिक लुक होता है इनका, लेकिन आप इनको किसी भी आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हो। बैग्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। मैं उनकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रही थी तो वहां पर मुझे काफी सारे ऑप्शंस नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे कि वो अब रिटायर हो चुकी हैं तो उनके लिए छोटा सा बैग परफेक्ट है उनके लिए बैग, क्योंकि उनको कुछ ज्यादा चीजें कैरी नहीं करनी होती है, मनी एंड मोबाइल फोन और छोटी मोटी चीजें, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बैग है। तो मैंने इसीलिए परचेज किया है, और इसका प्रिंट काफी सुंदर है। ये हर किसी आउटफिट के साथ जाता है क्योंकि ब्लैक है। तो इसकी क्वालिटी की मैं बात करूं तो बहुत ही परफेक्ट है। इसकी जो जिप है वो बहुत ही स्मूथ है, ये देखो बहुत ही अच्छे से ग्लाइड हो जाती है, और इसकी जिप के ऊपर भी आपको ज़ूक मेंशन होता है, और बैक साइड में भी आपको एक जिप मिलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है मेन जिप से भी ज्यादा जो पीछे वाली पॉकेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर हम इजीली जल्दी से कैरी कर पाते हैं कोई ना कोई चीज, जैसे कि हमारे कॉइन्स हुए और या फिर हमारा मोबाइल फोन हुआ, कीज हुई, तो हम यहाँ पर इजीली जल्दी से डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलती है, और ये बैग देखने में छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। आपको दो कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक ये बीच में है और यहाँ पर एक कंपार्टमेंट मिल जाता है, और इसमें भी आपको यहाँ पर जिप मिल जाती है, बहुत ही अच्छी है इसकी क्वालिटी। अंदर से भी इसकी जो क्लोदिंग की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे से दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपने पेन्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह भी कैरी कर सकते हो, और इसके साथ आपको एक और अंदर जिप मिलती है, ये देखो इसके अंदर भी आपको एक जिप मिलती है जिसके अंदर, मतलब ये काफी स्पेशियस बैग है। ये देखने में छोटा है, स्लिंग बैग है, लेकिन स्पेस इसमें काफी अच्छी है। इसकी जो स्ट्रैप है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो इजीली, अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो। इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ परफेक्ट गिफ्ट ऑप्शन फॉर दिस मदर्स डे फॉर योर मदर, तो आप जरूर ये परचेज कर सकते हो। यूज माय कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट YTKIM12, तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके ऊपर मिल सकता है। तो गाइस इसका लिंक और इसका कूपन कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और स्क्रीन पर भी आपको मेंशन हो रहा होगा, तो आप इसको जरूर परचेज कर सकते हो अपनी मदर को एक गिफ्ट करने के लिए। ऐसे सारे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिजाइंस मिल जाते हैं, और आपको जरूरी नहीं है ये स्लिंग बैग ही लेना है, अकॉर्डिंग टू योर मॉम आप सारे ऑप्शंस वहां से पिक कर सकते हो। सो गाइज ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इन सभी प्रोडक्ट्स के जो भी मैंने आज प्रोडक्ट यूज किए हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे। हॉल पैक के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसके ऊपर आप क्लिक करते ही आपको वहां पर सारे आज के प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होंगे, और आप उनको चेकआउट कर सकते हो।